इसमें सेल्फ स्टार्ट मोटर ही नहीं है, बट फिर भी बाइक इजीली स्टार्ट होती है। दिखाता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, देखो सेल्फ दिया, देख रहे हो कितना अंदर ब्लॉक। तो कैसे हो आप लोग, होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने देख रहा ना पीछे से, नहीं भाई ऐसे नहीं दिखाना, शो के बाइक आई है जो कुछ अंदर ब्लॉक। तो कैसे आप लोग, होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो चलिए दिखाते हैं, ये है कुछ आज का। सबसे पहले एक आपको वॉक अराउंड लुक दिखा देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे बाकी क्या है क्या नहीं सीन इसका। तो ये है बजाज की पल्सर N125 जो भी रिसेंटली लॉन्च हुई और जिसका फेसलिफ्ट वर्जन है इसमें अभी तक पूरी एडिट भाई। तो स्पीडोमीटर कंसोल में आपको ये साइड में जैसे रखा है, ये कुछ ऐसा स्टार्टअप है जो कि स्टार्ट हो गया, ठीक है। साइड में जो रखा है फ्यूल गेज, ये ऑडोमीटर यहाँ पे रीडिंग आ रही है, 19 किलोमीटर भी चल चुकी है बाइक रिसेंटली। और फिर बात करते हैं 19 किलोमीटर के बाद ये दे रखा है आपको, यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो दिखाएगी कितना क्या एवरेज चल रही है। साइड स्टैंड आपको दिखा रहा है, इसमें साइड स्टैंड लगा है, ब्लूटूथ का फंक्शन दे रखा है जो कि आप बीटी देख रहे हो ना, बीटी का ऑप्शन। तो ये ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो बाइक, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए आपको बजाज कनेक्ट आप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्पीड दिखाता है एक बार आपको। तो उसके बाद ये देख रहे हैं ना, इसमें एक हाई बीम दे रखा है, ये जो लाइट आपने ब्लू कर रही हो ग्रीन कलर, ये हाई बीम की लाइट है। और उसके बाद ये न्यूट्रल दिखा रहा है, ये एक कट स्विच है जो कि मतलब अगर हम लोग ट्रैफिक वगैरह में कहीं पे भी फंस जाते हैं तो क्या है, हम लोग बार बार इंजन स्विच देते हैं या सेल्फ देते हैं, बार बार दबाते हैं, इसमें आपको सेल्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप उठाओ चाबी लगाइए आपको और क्या इसको सेफ। अभी क्या है साइड स्टैंड लगा तो उसमें स्टार्ट नहीं हो रही है, सीधा क्लच दबाओगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद मेरे ये दे रखा है आपका टाइम दिया है साइड में, टाइम के साथ ये दे रखा है सेटिंग्स से काफ़ी। और दिखा देता है ये जो एक डेडिकेटेड पल्सर ने अपने डेडिकेटेड जो स्लाइड में ये मोड दिया है, इसको डबल क्लिक करने पे सिंगल क्लिक करने पे IFE आता है, इंक्लूड फ्यूल टू एम्प्टी के, मतलब कितना गाड़ी की अभी रेंज रियल जाती है, रियल टाइम माइलेज कितना क्या। एक बार स्टार्ट किया इसने क्या जो लाइट्स किया, तो चलिए सबसे पहले इसकी एक हेडलाइट का वो दिखा देते हैं आपको कैसा क्या है। ये पूरी फुली LED है लाइट है दोनों की, दोनों जैसे आपको दिखा दूँ, कुछ लाइट ला के पास काफ़ी अच्छी, अभी तो काफ़ी अच्छी और लाइट काफ़ी तेज़ लग रही है इसकी, बाकी का नाइट में भी हम देख लेंगे इसका विज़न कैसा क्या है। और बात करते हैं इसमें जो बल्ब है भाई, वो LED नहीं है, इसमें बल्ब नॉर्मल है अपने हैलोजन बल्ब में, हैलोजन बल्ब के बाद अगर साथ करते हैं इसकी ब्रेक्स की भी बात करते हैं तो इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है 240 mm का। इसमें कंपनी ने अबकी बार ब्रांडिंग का वो नहीं किया है, कोई भी गारंटी आती है बट इसमें अभी मेंशन नहीं किया कुछ भी। और बात करते हैं इसके टायर साइज़ की, जो इसमें नॉर्मल वही है MRF का जो टायर साइज है इनका। और बात करते हैं इसके इंजन की भी, तो इसमें इंजन जो है बजाज ने इंट्रोड्यूस किया है वो 125 के साथ डुअल स्पार्क प्लग के साथ 125 cc का इंजन है जो कि मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 11 से 12। और बात करते हैं इसके इंजन की, तो इंजन में आपको बताया दिया 125 cc का इंजन, जिसमें अच्छी कंपनी काम कर रही है वो क्या सारी गाड़ियां कर रही हैं किक बंद 125 में अभी जो रिसेंटली मतलब सेल्फ के साथ साथ क्लिप भी। और इसमें सबसे अच्छी बात बताता हूं मैं, ये जो हम आपको बजाज का टॉप मॉडल है जिसमें सेल्फ इंटीग्रेटेड आता है, मतलब इसमें आपको कहीं भी सेल्फ की मोटर नहीं दिखेगी, देख रहे हैं सिंगल साइलेंट टच स्टार्ट है, बस सिंगल साइलेंट टच करो स्टार्ट हो जाएगी बाइक। फिर आते हैं रियर में, तो रियर में आ रखा है आपका ड्रम ब्रेक है, जिसमें कि इसमें भी सेम MRF का टायर है, MRF के टायर के साथ आ रही है ये 110, 80 और 17 का है, तो सेम ही है। तो रियर में इसमें दे रखा है फ्रंट में दे रखा है। और सबसे अच्छी और बात तो यही है कि अगर आप लेडीज़ वगैरह फैमिली लाइक तो है ये बाइक बिल्कुल आराम से अच्छी खासी फैमिली लाइक है। इसमें दे रखा है साड़ी स्टैंड दे रखा है, फिर ये फुटरेस्ट भी लेडीज, तो उसमें दे रखा है इंजन का साइड कट स्टैंड दे रखा है जो कि अगर नॉर्मल स्टैंड लगा दोगे गाय का इंजन बंद हो जाता है। और फिर उसके बाद करते हैं इसमें दे रखे 5 गियर बॉक्स। इसमें सेल्फ स्टार्ट मोटर ही नहीं है बट फिर भी बाइक इजीली स्टार्ट होती है, दिखाता हूँ टू बी ऑनेस्ट, देखो सेल्फ दिया, देख रहे हो कितनी प्यार से हुई है भाई, फिर से दिखा देता हूँ एक बार, बस सेल्फ ऑन किया, सिर्फ आपको बटन को टच करना है, बिना मोटर के कैसे स्टार्ट हो रही भाई। तो यही आपको बताएंगे फुल इस वीडियो में फुल डिटेल में। तो तब तक कंटिन्यू कर रही है, क्लेम कर रही है अपना 0-60 बेस्ट इन सेगमेंट क्लेम कर रही है इस बाइक को, बाकी का हम भी ट्राई करके देखेंगे 0-60 सेकंड में जाती है या नहीं जाती है। और फिर इस ना एक रियल से अगर आप थोड़ी सी दूर से देखेंगे ना आप, तो लिटरली बता रहा हूँ KTM की एडवेंचर लग रही है बाइक, बस ये इसको मिनी एडवेंचर आप बोल सकते हो भाई, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी देखो भाई यार, काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ है भाई, तो आप इससे एक अच्छी खासी टूरिंग कर सकते हैं। अगर आप पावर फिगर को, पावर फिगर तो बेस्ट है ही बट इसके साथ आप इसकी टूरिंग कर सकते हैं। और इसमें दे रखे फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक, और इसको जो कवर दे रखे ना, ये कवर इसलिए दे रखे ताकि आपके जो टेलीस्कोप फोक है वो अंदर ज़्यादा मिडी ना हो और जल्दी गंदे ना हो, उसमें बाई चांस होता है तो उसके लिए ये थोड़ा सा एडवांटेज में दे रखा है ताकि ये कवर रहे आपके फ्रंट सॉक्स, जिससे आपके मड वगैरह और रबर सील कलर ना करने पावर के, जिसमें इंजन पावर जो जनरेट करती है ये बजाज का 124.5 cc यानी कि 125 cc का सिलेंडर का है, ऑयल कूल्ड इंजन जो कि
12 BHK की पावर यानी और NM 11 NM का टॉर्क जनरेट करती है। और इसके साथ अगर मैं बता दूं आपको तो ये जो कंपनी का 125cc इंजन है ना, ये आता है 5 गियरबॉक्स के साथ। यहाँ भाई लिटरली 5 गियरबॉक्स के साथ आता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें जो है वो कंपनी ने इंट्रोड्यूस की है 9.5, और इसमें आप आराम से टैंक, बट 9.5 एक सेफ्टी वो होता है मेजर जिसमें, हाँ 9.5 के बाद इसके बाद इंट्रोड्यूस करी है कंपनी यहाँ पे एक USB चार्जिंग पोर्ट पर, जिसमें मैंने ये चेक नहीं किया, ये फास्ट है, बड़े एक USB चार्जिंग के साथ है। और जो आपकी सीट दिख रही है ना, काफी लंबी और लेंथी सीट है ना, तो सीट हाइट है वो सीट 7095 है, जो कि नीचे से अबाउट 7095 फ्लेम मालिश कर रही है। और मात मैंने आपको ट्यूल का बताया, वेट है ना सीरियसली भाई, कर वेट 126, यानी कि इसका जो वेट रेशियो काफ़ी सुधार दिया गया है। जो और जो इसमें ऊपर की सेगमेंट में बाइक आती थी वो अप्रॉक्सीमेटली 140 प्लस की वेट में होती थी, बट अब जो ये थोड़ी सी नेक डॉल में हल्की करने के लिए, लाइट करने के लिए कंपनी ने इसका जो बॉडी टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा कर दिया गया है भाई। और रियर में आपको दिया है ड्रम, साथ साथ फ्रंट के ब्रेकिंग के सिस्टम दे रखा है कंपनी ने, उसकी है CBS यानी कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि अगर आप आगे की ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक पीछे की भी लगेगी। जैसे कि मैं इसको दिखा दूं आपको, मैं इसको दबा रहा हूं, ठीक है, ये मैंने कोई हाथ से दबा नहीं रहा हूं, ठीक, ये दोनों एक साथ ही ब्रेकिंग का काम करती हैं। कि अगर कंपनी इतना कुछ दे रही है तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस भाई क्या होता है गाड़ियों, बट इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखो 198 mm का है ग्राउंड क्लियरेंस, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा है, सीरियसली करते भाई। मैं हमारे पास जो वेरियंट है वो है ये बजाज का N125 जो कि टॉप वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट की अगर बात करूँ तो ये आता है 98,300, हाँ भाई एक्स शोरूम 98,300 ओनली। और इसकी अगर मतलब बेस वेरिएंट की बात करते हैं तो बेस वेरिएंट आता है आपका 93 से 94 के अप्रोक्सीमेटली इसका जो प्राइसिंग है वो की है ये, और डिपेंड करता है आपके, अगर आपको ये बाइक परचेज करनी है तो आपका आना पड़ेगा राज बजाज मोटर सरला धाम मैनपुरी, थैंक बजाज मोटर्स। एग्जॉस्ट नोट तो रहेगा, सिंगल टैप दिया, चलिए एग्जॉस्ट नोट हो गया, अब चलते हैं हम सीधा।